हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर पाठशाला। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आपकी जो बेसिक्स है, यूपीएससी की जो बेसिक्स है उनको क्लियर किया जा रहा है, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगर आप छोटी क्लास में जैसे सेवंथ एट्थ नाइन्थ में पढ़ रहे हैं तो यहीं से आपका एक बेस तैयार किया जा रहा है, जिससे कि आप आगे चलकर अपनी तैयारी को और अच्छे से बेहतर कर सके। तो हमारे साथ जुड़ जाइए और अपनी यूपीएससी की तैयारी को बेहतर करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। इंडिया के साथ कौन सा ऐसा देश है दोस्तों जो सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है? ऑप्शन देख लीजिए, बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान या नेपाल। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये 4096.7 किलोमीटर, 4096.7 किलोमीटर जो है, और अगर माइल्स की बात करें तो 2545 माइल्स की जो लॉन्गेस्ट बॉर्डर है उसको साझा करता है। और ये दिस इज द फिफ्थ लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर इन द वर्ल्ड। कौन सा है दोस्तों? फिफ्थ लॉन्गेस्ट है, पांचवा सबसे लंबा बॉर्डर है विश्व की बात करें तो। और यह बॉर्डर भारत के असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल जो स्टेट है हमारे, उनको पास करता है, उनको टच करता है। कौन कौन से हैं दोस्तों? असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय और वेस्ट बंगाल। इस तरह से ये हमारे जो पांच राज्य है बांग्लादेश के साथ लगते हुए, उनको ये टच करता है। और इंडिया का जो टोटल बॉर्डर की बात करें दोस्तों, तो वो है 15,100 किलोमीटर का है टोटल लैंड बॉर्डर जो है। और कोस्ट लाइन जो है, अगर हम जो जल वाला है बॉर्डर उसको अगर हम बात करें तो वो है 7,500.1606 किलोमीटर। तो ये भी पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो पांच स्टेट को टच करता है ये भी नोट कर लेंगे, क्योंकि कौन कौन से स्टेट को टच करता है ये प्रश्न भी आ जाता है। कितना बड़ा बॉर्डर है ये भी पूछ लेते हैं, तो 4096.7 किलोमीटर बॉर्डर है सबसे बड़ा। दूसरे नंबर की बात करें तो दोस्तों, वो है चीन, जो कि 3488 किलोमीटर जो है वो चीन हमारे देश को बॉर्डर साझा करता है। तो उसके बाद तीसरे नंबर की बात करें तो वो है पाकिस्तान, जो कि 3323 किलोमीटर के बॉर्डर को साझा करता है। उसके बाद आता है नेपाल दोस्तों, जो कि 1751 किलोमीटर को साझा करता है। इसी तरह म्यांमार और भूटान, फिर अफगानिस्तान। तो इस तरह से सात जो कंट्री है दोस्तों वो हमारे देश को जो है वो बॉर्डर साझा करती है। सबसे बड़ा हो गया बांग्लादेश और सबसे छोटा हुआ दोस्तों अफगानिस्तान। अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर के बॉर्डर को साझा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उम्मीद है आपके माइंड में ये नक्शा छप गया होगा इस तरह के प्रश्न से संबंधित, तो ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट लेते हैं, द डंकन पैसेज सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड्स। डंकन जो जल डमरू मध्य बोलते हैं दोस्तों हिंदी में, जो पैसेज होता है, किन द्वीपों को अलग करता है ये बताना है। अंडमान एंड निकोबार को, लक्षद्वीप एंड मालदीव को, जावा एंड सुमात्रा को, मालदीव एंड श्रीलंका को। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है अंडमान एंड निकोबार को। ये डंकन पैसेज जो है दोस्तों ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है। इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें जरूर समझ लें दोस्तों, ये एक जल संधि है, स्ट्रेट इन इंडियन ओशन, जो भारत का जो समुद्र है उसमें, महासागर है उसमें ये एक जल संधि है डंकन। और इट इज लोकेटेड बिटवीन साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान, इन दोनों के बीच में है, साउथ और छोटे अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में है ये। तो इन दोनों को एक तरह से ये अलग करने वाली जल संधि है। और यह लगभग 48 किलोमीटर वाइड है। इट सेपरेट्स ये रटलैंड आइलैंड पार्ट ऑफ ग्रेट अंडमान टू द नॉर्थ एंड लिटिल अंडमान टू द साउथ। तो यह एक तरह से अंडमान को ही अलग करती है, छोटे अंडमान को बड़े अंडमान से अलग करती है। और उसको बोलते हैं रटलैंड द्वीप बोलते हैं, जिसको छोटे अंडमान द्वीप से अलग करने वाली जल संधि। 48 किलोमीटर वाइड है दोस्तों ये। तो उम्मीद है आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, द जोजिला पास कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। जो जोजिला दर्रा है दोस्तों वो किन स्थानों को जोड़ता है? लेह एंड श्रीनगर, मनाली एंड लेह, कुल्लू एंड कांगड़ा, शिमला एंड मनाली। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है लेह एंड श्रीनगर। ये जोजिला दर्रा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में आया है। तो यह पहले तो लेह और श्रीनगर को कनेक्ट करता है। जोजिला पास कनेक्ट श्रीनगर एंड लेह एंड सर्व्स एज एन इंपॉर्टेंट लिंक बिटवीन लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच बहुत इंपॉर्टेंट लिंक है दोस्तों। और जोजिला पास इज इन कारगिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द इंडियन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख। ये एक्चुअल में लद्दाख में है और कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है यह। इट इज ए हाई माउंटेन पास लोकेटेड इन द हिमालयाज।
दिस पास कनेक्ट द कश्मीर वैली विद द द्रास एंड सुलू वैली एंड इज कनेक्टेड टू द इंडस वैली इन द ईस्ट। ये एक तरह से लद्दाख में ही है दोस्तों, और ये हाई माउंटेन पास है किसमें, हिमालय में, हिमालय में सबसे हाई माउंटेन पास इसको बोला जाता है। और इससे संबंधित एक दो प्रश्न जरूर आते हैं एग्जाम में, और यह मेन इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनता है वह है ये श्रीनगर और लेह को आपस में जोड़ता है, जैसा कि इसमें बताया गया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक है लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच में। क्लियर है दोस्तों? तो ये है दोस्तों आज का आपके लिए प्रश्न, द ब्लू रेवोल्यूशन, नीली क्रांति किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसका प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है और आप जीत सकते हैं प्राइज मनी। तो बने रहिए हमारे साथ और अपनी तैयारी को बेहतर करते रहिए दोस्तों। अगर आपने अभी तक आर एंड आर पाठशाला ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जो ई बुक्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं, वो मिल सके।